हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी पेपर के बारे में जो आपका 30 जून को हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो जो कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में, वो टोटल 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश है, उसमें से कौन से क्षेत्र में जो है वो बाजरा बोया जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो ये जैसे राजस्थान का मैप पे ये हाड़ौती क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो यहाँ पे रहेगा। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बीकानेर जैसलमेर शुरुआती है। इसका नाम है वो है शुष्क आंतरिक सिंचित पश्चिमी मैदान, जिसे फर्स्ट सी भी कहते हैं। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये वो यहाँ पे रहेगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसको फोर्थ भी कहते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं। इसके अंदर मक्का सबसे ज़्यादा बोया जाता है। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। और मक्के की जो दो किस्में प्रमुख हैं, माई कंसन और माई धवल। और चावल की किस्में भी पूछ लेते हैं तो उसकी है माही सुगंधा चावल की किस्म है। तो ये हो गया आर्द्र दक्षिणी मैदान, जो कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, इसको बोलते हैं शुष्क आंतरिक सिंचित पश्चिमी मैदान। और ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जो हाड़ौती क्षेत्र होता है। तो गाइस, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 प्रकार के, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो अभी मैंने बताया है कि सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान रहेगा, ये सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतप्रवाही नदी नहीं है? तो अंतप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है वाकल, सबसे पहले वाकल, तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्योंकि वाकल जो है ना, वो साबरमती की सहायक नदी है, जो साबरमती जो अरब सागर में जाके गिरती है। बाकी खंडेल, मेंढा और लिक, ये जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो जो खंडेल है वो सांबर झील की, ये सांबर झील है, इसकी सहायक नदी है। जो खंडेल जो यहाँ से आती है और यहाँ से रूपनगढ़ आती है, ये खारी नदी है। और यहाँ से मेंथा या मेंढा और ये बांटी नदी। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कि अंत प्रवाह की जो नदी है वो वाकल नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो गाइज, मैं बता दूँ, इसके अंदर कंटिन्यू 3 क्वेश्चन कृषि जलवायु प्रदेश से पूछे गए, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो अभी हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो फर्स्ट सी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो कुराल नदी का जो संबंध है वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट से। और ये कुराल नदी जो है वो मेज नदी की सहायक नदी है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, विश्व जैव विविधता दिवस वो 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी अब की बार थीम क्या थी? तो अब की बार इसकी थीम थी सभी के जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष का जो आरंभ है वो 1973 में इसका जो है पूरे देश में स्टार्ट हुआ था, 1973 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इसकी जो स्थापना है राजस्थान में वो कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में हुई थी। 1973 ईस्वी में प्रथम टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान में, इसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो अलवर में। और तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो तीसरा टाइगर रिजर्व है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी लेटेस्ट में जो बना है टाइगर रिजर्व वो है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए भारत के चार बड़े नगरों को जोड़ा जाएगा,
जोड़ा जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से बड़े बड़े कौन कौन से नगर हैं, तो दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पे कलकत्ता। तो राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित रहेंगे। तो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे राजस्थान है जैसे, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रहेंगे अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट इनसे लाभान्वित रहेंगे। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, अलवर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो रावत बाटा ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो ये है, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये देश का देश का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है और ये जो है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, कनाडा के सहयोग से। और देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर है, तो फर्स्ट जो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेडी सोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शुष्क जलवायु क्षेत्र में एरेडी सोल्स मिलती है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो एरेडी सोल्स यहाँ पर, और यहाँ पर एंटी सोल्स, और यहाँ पर एल्फा सोल्स, और यहाँ पर इनसेप्टी सोल्स, और यहाँ पर जो हाड़ौती क्षेत्र में यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्टिसोल मिलती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा जो है वो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, प्रतापगढ़, यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जहाँ पर मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है। तो तीन नदियों का संगम, इसमें माही, जाखम और सोम, ये तीन नदियों का संगम है, वो डूंगरपुर के बैनेश्वर जगह में होता है, जहाँ पर बैनेश्वर मेला लगता है। और बैनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं, और ये जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है। ऑप्शन ए है बेड़स, ऑप्शन बी मेंढा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी आऊ। तो ये जो जैसे सांभर सांभर जो झील है, इसके अंदर यहाँ से रूपनगढ़ आती है, यहाँ से खंडेला आती है, यहाँ से खारी नदी आती है, और यहाँ से मेंथा या मेंढा आती है, और यहाँ से बाड़ी नदी आती है, बांडी नदी। तो इसके अंदर जो है वो मेंथा या मेंढा, जो ये रहे यहाँ पर ये रेट रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, मेंथा या मेंढा। अगला क्वेश्चन, बाकी बेड़त, संबल और आहू, ये तीनों जो सांभर झील में नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर ज़िले में होकर प्रवाहित होती है। तो जयपुर ज़िले में होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कालीसिंध, चौचड़ी और सोम, ये तीनों तो नहीं है, बाण गंगा रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो पाकिस्तान के साथ में जो भारत की जो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है। इसके अंदर राजस्थान के जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा साझा करते हैं। तो सबसे पहले है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है। फिर बीकानेर, बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। फिर जोधपुर, जोधपुर की 464 किलोमीटर लगती है। फिर बाड़मेर की, तो बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। तो टोटल 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो इसके अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, तो जोधपुर, जोधपुर के पाकिस्तान के साथ में कोई सीमा रेखा नहीं लगती है। यहाँ पर आना चाहिए था बाड़मेर, श्रीगंगानगर, तो बीकानेर आता, तो ये बीकानेर, ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रामसर धौलपुर ये राइट है पहला, सज्जनगढ़ उदयपुर ये भी राइट है, और चेरगढ़ तो बारह की है, बारह में जो चेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बारह में, तो ये गलत रहेगा।
तो सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं है, ऑप्शन सी रहेगा। बाकी ताल सफर चोरू ये भी राइट है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, आगुसा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है जो आगुसा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है, ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा होता है, सीसा जस्ता के लिए ये क्षेत्र जो है आगुसा गुलाबपुरा ये फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक उत्पादन के लिए फेमस है, 18 अदरक उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो अदरक के लिए कौन सा है, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। शेर की ऊंचाई कितनी है, तो शेर की है 1597, 597। फिर है देलवाड़ा, तो देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। फिर है चरका, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है, और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की कौन सी है, वो गुरु शिखर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बनास। बनास नदी की जो लेंथ है वो 512 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और माही नदी की जो टोटल लेंथ कितनी है, तो माही नदी की टोटल लेंथ है 577 किलोमीटर, और माही नदी को काठल की गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो इसके अंदर आएगा बाजरा, ये खरीफ की फसल है, बाकी जौ, गेहूँ, चना ये सभी रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो है सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वे के अकॉर्डिंग भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक भैंसों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ताल सफर चूरू। बाकी आना सागर अजमेर ये भी मीठे पानी की झील है, पिछोला उदयपुर ये भी मीठे पानी की झील है, और पुष्कर जो है अजमेर ये भी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन रहेगा ए, महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, और इसको जो है बीकानेर के जूनागढ़ किले को चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं, और गढ़ चिंतामणि दुर्ग किसको कहते हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और इस किले के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं जूनागढ़ किले के अंदर, तो सूरज पुल है, सबसे पहले सूरज पुल आती है, तो इसके जो दोनों ओर हैं जयमल और फत्ता की जो है वो प्रतिमा बनी हुई है, जो हाथियों पर बैठी हुई प्रतिमा है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन क्या रहेगा ए, महाराजा राय सिंह। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दादूपंथ। दादूपंथ के जो संस्थापक थे वो संत दादू दयाल जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में है, और इनको राजस्थान का कबीर और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है, तो सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जो सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। अगला क्वेश्चन,
सच्चा माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओसिया, जोधपुर। और ये जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार के काल का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, उदयपुर। और शैलियों की बाड़ी का निर्माण जो है वो संग्राम सिंह ने कराया था, संग्राम सिंह। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण वीर सत्से किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, बूंदी। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी जो रचना है वो वीर सत्से और वीर भास्कर है। इसकी रचना जो है वो डिंगल भाषा में है, डिंगल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। घोसुंडी शिलालेख है जो वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से रिलेटेड है और इसमें जो है अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कालीबंगा। और इसका जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इनका जो उत्खनन किसने किया था? तो बीबीलाल और बीके थापर द्वारा। और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़, तो ये तो राइट रह गया। ऑप्शन बी राव जयसिरो संत शिवदास गार्डन, तो ये गलत रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि राव जयसिरो संत पुस्तक के लेखक जो है वो बिट्टू सुजा है। ऑप्शन सी बिशलदी रासो नरपति नाला, ये गलत है, सॉरी ये राइट है। और खुमान रासो ये भी राइट है, दलपत विजय। तो राव जयसिरो जो है उन्होंने पटनेर का युद्ध 1537 ईस्वी में लड़ा था कामरान के विरुद्ध, तो उसमें उनको विजय प्राप्ति हो गई थी। लेकिन उन्होंने बाद में 1541 में पाहुबा का युद्ध लड़ा, तो उसके अंदर जो है राव मालदेव के विरुद्ध उनकी मृत्यु हो गई, तो राव मालदेव इसके अंदर इस युद्ध के में जीत गए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कब आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, चालरापाटन, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली जो है वो बाड़मेर की फेमस है। और करौली की कौन सी है? तो करौली की है लट्टमार होली। अगला क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय जो है वो 1956 ईस्वी में हुआ था, सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, माणिक्यलाल वर्मा। और इसकी जो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजा मंडल से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मेवाड़ प्रजा मंडल। अगला क्वेश्चन, 1743 ईस्वी में स्वाई जय सिंह की मूर्ति के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई थे, तो पहले जो है ईश्वरी सिंह, उसके बाद में माधो सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों में निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए? तो मारवाड़ के जो शासक हैं वो चंद्रसेन थे, जिसे भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल जो हैं वो बाबा रामदेव जी के पिता थे।
और इनके माता का नाम था मैणा दे और इनकी पत्नी का नाम था नेत्तल दे। अगला क्वेश्चन, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, मृण में मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनू राम शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो था कैप्टन कैप्टन सॉवर्स था, कैप्टन सॉवर्स। और मैकमोशन कहाँ का था? तो ये था जोधपुर का, जोधपुर। और कैप्टन जेडी हॉल ये था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट। और मेजर बटन तो ये था कोटा का। और जयपुर का था ईडन, ईडन जयपुर का, जयपुर का था ईडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, मंगल सिंह कछावा। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण आदिवास मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताऊते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर जो है क्या रहेगा, तो ताऊते तूफान जो है, ताऊते तूफान उन्होंने उत्तरी भारत के जितने भी क्षेत्र थे जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट रहेगा। और जो ताऊते तूफान जो है, ये ताऊते तूफान ये अरब सागर से उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, झेलम। जो झेलम नदी है वो कश्मीर की घाटी में बहती है और इस नदी को कश्मीर की जीवन रेखा भी कहते हैं, कश्मीर की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, मणिपुर। और ये जो झील है लोकटक झील, ये तैरती हुई झील है, एकमात्र भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है और इसके अंदर कैबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन चाटी है? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। इसके अंदर सत्य कथन है वो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है, तो ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में जो है चक्रवातों को विली विली कहते हैं और टाइफून जो है वो चाइना में कहते हैं, चाइना। और जो हरिकेन है वो यूएसए में कहते हैं, अमेरिका में, और इंडिया में तो चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो पहला नंबर तो एशिया का आता है जनसंख्या घनत्व में, और पॉपुलेशन में भी फर्स्ट है, और क्षेत्रफल में भी फर्स्ट है। तो जनसंख्या घनत्व में पहला एशिया का आता है नंबर और सेकंड आता है यूरोप का, क्योंकि यूरोप में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें थर्ड पोजिशन पर आता है। इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल में इसका छठा नंबर है, लेकिन पॉपुलेशन में इसका थर्ड नंबर, तो जनसंख्या घनत्व में यूरोप आएगा। अगला क्वेश्चन, फॉरेनहाइट तापमापी पर पानी का कितना क्रमिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 212 डिग्री फॉरेनहाइट।
अगला क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो एसडीआई रिपोर्ट, एसडीआई तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो नंबर है वो नॉर्वे का है, और इसके 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया का नंबर कितना था, 131। अगला क्वेश्चन, नदी के नौगम्य के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, रेखीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और मालदीव, तो ये जो सभी है वो साप्टा के सदस्य हैं, तो इसके अंदर आप स्टार रहेगा, इसको बोनस नंबर, इसके अंदर आपको बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, सिंगी खम्बा। अगला क्वेश्चन, मोहगनी वनस्पति प्रजाति जो है वो वनों में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मोहगनी वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देहरादून, उत्तराखंड। एक क्वेश्चन और आप और पूछ सकते हैं आने वाले एग्जामों में, के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदाएं कौन सी मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बांगड़, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चाटिए, तो इसके अंदर ऑप्शन बी रहेगा, अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, तो इसके अंदर अक्षांश रहेगा, देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरालिन प्लेट अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फेलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच। अगला क्वेश्चन, आइसोहल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो जो स्थानों को जोड़ती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, प्रतिदिन मातीय सूर्य प्रकाश की समान अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30 डिग्री × 30 डिग्री पर होते हैं, तो संगत माप क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1:1250। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में ऑप्शन ए सविग्रह, ऑप्शन बी स्वच्छता, सी साफ पानी और डी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, ये नहीं है सविग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है, तो ऑप्शन ए श्रम ये रहेगा, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र ये भी इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन सी जलापूर्ति ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके अंदर आर्द्रता ऑप्शन डी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा एवं चिकित्सा जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अनाज साधन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसके अंदर राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए रहेगा, वर्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मियांडर। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन दे रखे इसके अंदर महाद्वीप दे रखे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो भारत का जो स्थान है उसमें सातवां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति पर होती है? तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, उपोष्ण प्रदेश। अगला क्वेश्चन, डोल ड्रम पेटी में पाई जाती है? तो डोल ड्रम पेटी जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, अल्फ्रेड वेबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन बी राइट रहेगा, जापान। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी का गठन किया गया? तो आईपीसीसी का गठन जो है वो विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? तो इसकी जो घोषणा है वो 2014 में हुई थी और इसका आयोग जो है वो 2015 में बन गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विमीय आरे का उदाहरण नहीं है? तो विमीय आरे का उदाहरण जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, पिरेमिड आरे, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस का पूरा नाम जो है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब समोच्च रेखा एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो तो ढाल होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एक उदाहरण है? तो पशुपालन जो है वह प्राथमिक व्यवसाय का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1977 और 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रटलैंड जो रिपोर्ट है वो सतत विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा शहर, तो ये बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है ये अजरक प्रिंट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, भारत में लो इस्पात कारखानों में निम्नलिखित समूहों में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? तो इसके अंदर ऑप्शन ए रहेगा, बिलाई और राउरकेला। ये इसकी जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन, केपटाउन बंदरगाह स्थित है? तो केपटाउन बंदरगाह जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पवन। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्मन मायर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा नहीं है, ये कृत्रिम सीमा है और इसका नाम रेड क्लिप है, ये भी रेट है, ये एक अध्यारोपी सीमा, ये भी रेट है। अगला क्वेश्चन, वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नई दिल्ली। वायु सर्वेक्षण निदेशालय का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रमुख यमोत्तर पर समय 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या क्या होगा? तो जो ग्रीनविच रेखा है GMT, यहाँ से जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 8:30 है, तो भारत का टाइम जो है 5:30 वो प्लस कर दो आप, तो इसके अंदर जो टाइम आएगा
वो 2 PM रहेगा, तो ऑप्शन डी रहेगा 2 PM। अगला क्वेश्चन, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आयोजित हुई, कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी रहेगा, याको हामा जापान में। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों को बनाए गए मकान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका जिंक ऑप्शन जो है ए राइट रहेगा, राजस्थान जो है जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य स्टेट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इमानुअल कांट। अगला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मन्नार की खाड़ी। और 10 डिग्री जल संधि जो है वो अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन जो फोर्थ है निहारिका, लाप्लास जो ये है, इसके अंदर फोर्थ का वन, इसके अंदर एक ही मैच हो रहा है फोर्थ का वन, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके अंदर फोर्थ का वन ये रहा, बाकी इसके अंदर कोई मैच नहीं हो रहा फोर्थ का वन में, तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो रहेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहाँ से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोग प्रतिशत में प्रतिविधित हुए? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड। तो सेकंड में कौन सा कंट्री है? सेकंड में है नेपाल, और फर्स्ट में है बांग्लादेश, फर्स्ट में बांग्लादेश है, और थर्ड में है पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश से इंडिया में आए थे प्रवासी, फिर नेपाल से आए थे, फिर आए थे पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत। भारत के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, नवनिचेवाद शब्द को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, अक्रा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, काला हंडी, क्योंकि काला हंडी है वो मैगनीज के लिए फेमस है, बाकी हजारीबाग, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, भीलवाड़ा, राजस्थान ये सभी अभ्रक उत्पाद के लिए फेमस जगह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाकी मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CFC, हेलोन्स ये सभी जो हैं ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, विषुवत वृत्त के ऊपर शोप सीमा में हवा का ताप कितना रहता है, तापमान कितना रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, -80 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दूर दूर किसी हुई कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार के प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी रहेगा, भूमध्य, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा, समुद्री पश्चिम तटीय। अगला क्वेश्चन,
नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्री की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, एक्वेरियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्थलाकृतिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन, कारक जो शोर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पार्थिव पवने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो इसके अंदर जो है भूआकृतिक विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सभी जो हैं ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, 70.8%। अगला क्वेश्चन, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अंटार्कटिक महासागर में कितने गर्त अवस्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, अंटार्कटिक जो महासागर है इसके अंदर टोटल जो गर्ते हैं वो 19 हैं, बाकी 32 जो हैं वो प्रशांत महासागर में गर्ते हैं और 6 जो है वो हिंद महासागर में गर्ते हैं। तो इन तीनों को मिला के जो टोटल जो महासागरीय गर्तों की संख्या है वो 57 है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये रहेगा ऑप्शन बी। बाकी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्व, ये वाला ये देशांतरीय विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से OSU धारा के संबंध में असत्य कथन छाटिए? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, ये क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा निर्मित है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, नदी द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड पांडा का नाम किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, संकटापन प्रजातियां में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी के गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ज्वालामुखी उद्भेदन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 97%। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से में आकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ आकर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ मंदाकिनी नदी गंगा नदी से में आकर मिलती है, तो इसके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद यहाँ सही नहीं है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा आकर जहाँ मिलते हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रुद्रप्रयाग। बाकी अलकनंदा और धौली गंगा जो आकर मिलती है ना उसे बोलते हैं विष्णुप्रयाग, और देवप्रयाग, तो देवप्रयाग का जो है अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आकर मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों वाली बौछार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केरल से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं? तो उष्ण मतलब गर्म, तो गर्म इसके अंदर कौन सी जलधारा है? तो कनारी, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ये सभी ठंडी जलधारा है। तो इसके अंदर खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम ये उष्ण समुद्री जलधारा है। बाकी कनारी की जलधारा कहाँ है? तो कनारी की जलधारा है पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर बहती है, और लेब्राडोर की जलधारा ये कनाडा के तटों पर बहती है, और फॉकलैंड की जलधारा तो ये अर्जेंटीना के तटों पर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटी है? तो इसके अंदर असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर असत्य कथन जो है वो ऑप्शन बी रहेगा,
पर्वतनी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मोहरोविसिक असभ्यता तथा परतों के बीच पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोविसिक असभ्यता तथा परतों के बीच पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान इसके अंदर कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए रहेगा गैसेराइट, ये अवसादी चट्टान है। बाकी सभी पिग्मेटाइट, गैब्रो, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ये सभी आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जो बी जो है वियतनाम, वियतनाम के कोनों को नहीं, वियतनाम की रे 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 स्थानांतरणशील कृषि है। बाकी जो कोनों को है वो वेनेजुएला की स्थानांतरणशील कृषि है, ये वेनेजुएला की है। अगला क्वेश्चन, पनामा शहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोलोन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कालडेरा ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात के भरूच क्षेत्र में अंकलेश्वर तेल जो है वो क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सम्मान मानचित्र रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, केरल। बाकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ये सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, खट्टे फलों का उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबल परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पोंग बांध। पोंग बांध जो है वो व्यास परियोजना का भाग है। बाकी ज्वार सागर बांध, गांधी सागर बांध एंड राणा प्रताप सागर बांध, ये संबल बहुउद्देशीय परियोजना के भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है असम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बजाज सागर जो बांध है वो माही नदी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।